दोस्तों अब हाइक पे जा रहे हैं हम लोग और ब्रीफिंग हो रही है। ये है दोस्तों एंट्री पॉइंट कोडिया इको पार्क का। दोस्तों ये हमें एक बेरी मिला है जंगल वाला, मौर्या जी की नजर इस पे पड़ी है पर मैं दूंगा नहीं। और ये हमारी है मुस्कान मैम, हमारी टीम के लीडर हैं ये। यहां से जो है हमारी ये स्काई वॉक होगी। ओ बेटा मौज कर दी। नमस्कार दोस्तों, राइडर ऑफ काशी में स्वागत है। आज की सुबह काफी सुहावनी है और आज हम निकलने वाले हैं कोडिया इको पार्क जो कि कर्नाटक में है, और साथ में ही कुछ एडवेंचर एक्टिविटी भी करने वाले हैं अपने दोस्तों के साथ। तो बने रहिए चैनल राइडर ऑफ काशी में। तो आइए अपनी ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों अब हाइक पे जा रहे हैं हम लोग और ब्रीफिंग हो रही है। सारे लोग आ चुके हैं, टीम मेंबर यहाँ पर, और काफी अच्छा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, काफी जोश है लोगों में, और देखते हैं कौन फर्स्ट आता है और कौन लास्ट आता है। हालांकि यहाँ पे कोई फर्स्ट लास्ट नहीं है, तो आइए देखते हैं क्या क्या चल रहा है। तो दोस्तों हाइक के लिए हम लोग निकल चुके हैं और बीच में अगर कोई कूड़ा भी मिल रहा है तो हमने एक बड़ी सी पॉलीथीन लिए है और जो है कि उसमें हम करेंगे और गार्बेज को ले जाके एक पर्टिकुलर लोकेशन जो हमारे कैंप वाले डिसाइड करेंगे हम वहाँ पे उसको डालेंगे। तो दोस्तों आप जंगल सफारी भी कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पे ओपन जीप मिल जाती है और इसका कॉस्ट जो होता है 2500 रुपए का। और ये है कोडिया इको पार्क जाने का रास्ता। ये है दोस्तों एंट्री पॉइंट कोडिया इको पार्क का और यहाँ हम जंगल में जा रहे हैं हाइकिंग करने के लिए। दो टीम हमारी बनी हुई है पर अभी एक साथ जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे कई सारी बर्ड्स को वॉच करने वाले हैं और ये ग्रुप वाले हमारे यहाँ फोटो खिंचा रहे हैं और ये आप देख सकते हो। तो दोस्तों एक ये नेचर वॉक जो है हमारा स्टार्ट हो चुका है। कोडिया इको पार्क है इसका नाम, और मौसम भी जो है कि बहुत ही अच्छा है, खुशनुमा है और हल्की हल्की ठंड वाली हवा चल रही, तो मजा आ रहा है। सबने अपनी पानी की बोतल जो है कैरी हुई है और वो देखिए सारे लोग हमारे आ रहे हैं, और अमन भाई पता नहीं क्या सोच रहे हैं। ओहो अमन भाई की लग रहा पेमेंट नहीं आई है दोस्तों, तो वो कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो आप, और जानते हैं दोस्तों हर ट्रैक में जाता हूं तो एक डॉगी जो है हमारे साथ हो जाता है, वो हमारे साथ चलता है, हमें रास्ता जो है वो दिखाता रहता है। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आगे चल रहा है वो हमारे साथ। ये आ गया हमारा डॉगी। राहुल सर कुछ मिला क्या? हाँ, और ये हमारी है मुस्कान मैम, हमारी टीम के लीडर हैं ये, और इन्होंने कहा है विसिल बजाते ही सबको आ जाना है, तो इनका खौफ चलता है हमारे ग्रुप में। चल झूठा। हाँ यस, संजय सर ने अच्छा स्लोगन दिया, चलता खौफ है पर नाम मुस्कान है। थोड़ा सा एक खुला एरिया मिला है, मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। वैली जो है एकदम साफ क्लियर व्यू आ रहा है, और देखिए थोड़ी ऊंचाई पे हम आ चुके हैं और सारे लोग थोड़ा आराम करते हुए, कुछ लोग पानी पी रहे हैं अपना, और जिया मैडम अपनी सेल्फी ले रही हैं।
तो ये दोस्तों चंदन सर जो है सबको लेके आ चुके हैं और बाकी लोग जो हैं अभी फोटो सेशन करा रहे हैं, व्यूज का एंजॉयमेंट ले रहे हैं, नेचर में आकर वादियों में आके सब एंजॉय कर रहे हैं अपना। और अब जो है हम यहाँ से दूसरा ट्रैक जो है करेंगे, यहाँ से हम रूट चेंज करने वाले हैं। अभी तो आप लोग ये नॉर्मल सड़क वाली रूट से आए, अब हम नॉर्मल अब ट्रैक करेंगे, तो ट्रैक करके हम नीचे जाएंगे वो अभी। हाँ, ये नॉर्मल था, ये वार्म अप था। हाँ, अभी अब असली ट्रैक बाकी है, अब ये इधर नीचे से जाना है ट्रैक डाउन ग्रेडियंट। यहाँ फोटो सेशन कराना है ग्रुप का। दोस्तों, इस पार्क में जाने का जो सही समय है सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय, क्योंकि यहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है वो आप काफी अच्छे से जो है इनके नजदीक जा सकते हैं। दोस्तों, ये इको पार्क अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है, जिसमें देसी देवदार के पेड़ों के साथ साथ हरे भरे परिदृश्य हैं जो विभिन्न प्रकार के पक्षियों और वन जीवन की मेजबानी करते हैं। और जंगल के इसी आकर्षण की वजह से दोस्तों यहाँ पर काफ़ी पर्यटक अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। और यहाँ पे एक ऊंचाई पर एक बिंदु है जहाँ से हिमालय का शानदार दृश्य दिखता है। नहीं, मेहनती लड़का सर, तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा अच्छा हो रहा है। जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं मिस्टर राहुल जी, उन्होंने कह रहा है कि रेल के इंजन के हिसाब से चलना है, लेकिन हमारे कुछ डिब्बे जो हैं वो उत्तेजित हो रखे हैं और वो पटरी से उतर जा रहे हैं, लेकिन फिर से राहुल जी ने उसे चढ़ा दिया वापस और अपने ट्रैक पे। फिर दोस्तों राहुल सर ने कहा कि आपको यहाँ पे ध्यान लगाना है, क्योंकि बाहरी ध्यान में प्रकृति की शांति और ध्यान के अभ्यास का मिश्रण होता है, जो शांति और मानसिक स्पष्टता को हमारे काफ़ी अनूठा और ताज़ापन प्रदान करता है। दोस्तों, मैं मैक टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ क्लाइंब अप कंपनी टीम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग का पूरा अक्सर दिन जो है स्क्रीन या दिनचर्या में बंधा होता है, लेकिन जब हम आउटडोर में ध्यान लगाने के लिए आते हैं तो अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं यहाँ पर। दोस्तों, वाह, तो दोस्तों ये हमें एक बेरी मिला है जंगल वाला। दोस्तों, कितने सारे बेरी लगे हुए हैं, ऑरेंज कलर के हैं यहाँ पे, और काफी मीठे हैं, स्वादिष्ट हैं। तो ये दोस्तों देखिए, जंगलों के बीच से चल रहे हैं, सर के ऊपर भी जंगल है हमारे, और चलते हुए रवि भाई कुछ खोज रहे हैं हमारे, लग रहा है ऐसा। कुछ मिला? ये देखो दोस्तों, काफी गहरी खाई है ये, यहाँ से ऐसे 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 वो छांव है, बादल है, बादल बादल वाले छांव है वो, बादल ऊपर टॉप पे देखिए व्हाइट वाला, हाँ उसकी छांव है, काफी अच्छी। तो दोस्तों एक यहाँ पे हमें काफी पुराना मंदिर मिला है, सीमेंटेड कर रखा है और दिया रखा हुआ है और साथ में त्रिशूल जैसा कुछ रखा हुआ है, तो जय बाबा की। तो दोस्तों अभी तक हम लोग जो है 5 किलोमीटर तो चल चुके हैं अप डाउन करते हुए, और लेकिन हमें ऐसा कोई अभी जंगली जानवर तो नहीं दिखा, लेकिन हाँ रात में बताते हैं दिखता है, क्योंकि जंगल सफारियां वाली जीपें जो हैं काफ़ी संख्या में यहां से जा रही हैं। और दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा, चश्मा लगा लूँ पहले थोड़ा सा, अच्छा स्मार्ट बन जाऊँ। तो आपको जो है ट्रैक के दौरान पानी की बोतल हमेशा साथ में रखना है और कोई नमकीन टॉफ़ी ले लीजिए और पानी पीते रहना है। पानी पीने से क्या होगा, जो डिहाइड्रेशन है वो कम हो जाएगा और बॉडी जो है आपकी एक्मेटाइज होती रहेगी, और पानी ज़्यादा भी नहीं पीना है, नहीं तो पेट दर्द करने लगेगा। तो ये प्रक्रिया आप अपनाते रहें और ट्रैक करते रहें और अपनी स्टेपना को बनाते रहें। वेंचर एक्टिविटी में आएंगे, अच्छा हमारा वेट हो रहा था, ओके रिवर राफ्टिंग करेंगे, ओके, यो यो यो, ठीक है, ओके।
हमने बहुत ही खूबसूरत जंगल वॉक करके आए हैं, काफ़ी एडवेंचर हो रहा, एक दो लोग फिसले भी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, और काफ़ी अच्छा था। और काफ़ी बर्ड्स के हमने वो वॉयस सुने, आवाज़ें सुनी, कुछ देर हमने जो है वहाँ पे शांति से बैठे और फोटो खिंचाए। और अभी यहाँ पे कुछ एडवांस है शायद ये तो प्लास वाले यहाँ मिले हैं, तो ये हेमंत जी ने अपना शुरू कर दिया है कार्यक्रम। आइए लेते हैं, यहाँ पे एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक दिया जा रहा है। ये मुस्कान मैम है, हम मुस्कान के साथ। हाँ हाँ बिल्कुल। तो दोस्तों वापस से हम लोग जो है डाइनिंग हॉल में आ चुके हैं और ये हमारी थालियां लगी हुई है। जिया मैम मुस्कुरा रही है मुझे देख के, और आप ये देख सकते हो सलाद है, उसके बाद पापड़, और उसके बाद ये रोटी, देखिए नान है यहाँ पे दिल्ली वाली, और चावल काफ़ी भुरभुरे हो रखे हैं, और ये हमारा राजमा आ गया, और ये हमारा शाही पनीर बना हुआ है। पनीर काफ़ी ज़्यादा है, लोकल पनीर है यहाँ पे, और लोकल वाला लोकल नहीं, यहाँ का मतलब असली पनीर है। और ये मिक्स वेज, और साथ में रायता, और यहाँ पे गुलाब जामुन जो है काफ़ी गर्म गर्म है। तो आइए चलते हैं, और ये मैम खाना ले रही हैं, तो आइए चलते हैं अपनी थाली देखते हैं। मैंने अपनी थाली ले ली है जिसमें दो पीस नान के लिए हैं, राजमा, चावल, पालक, और ये गुलाब जामुन, कुछ हरी मिर्च, और ये प्याज है। प्याज मैं अपने मुंबई वाले मित्र को डेडिकेट करूंगा, संदीप भाई, ये तुम्हारी प्याज हिस्से की खा रहा हूँ। और उसके बाद ये रायता, और ये पनीर की सब्जी, और मिक्स वेज। तो आइए अपने लंच को मैं फिनिश करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, अभी शाम के 4:30 बज चुके हैं, और अब हमारी जो है शाम की जो एडवेंचर एक्टिविटी है, जैसे जिप लाइन, स्काई वॉक, साइकिलिंग, ये होने वाला, यहाँ से जो है हमारी ये स्काई वॉक होगी, और उसके बाद वो वाली एक एक्टिविटी है, आप वो देखना, और जिप लाइन वहाँ से शुरू हो रही है, वहाँ से जो है नीचे जाएंगे। टीम यहाँ पे तैयार हो रही है, तो अभी मेट्रो क्लाइंबर्स जो एक ग्रुप है जिसमें मैं भी हूँ, उसमें सारे लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। तो पहले यहाँ से 9 स्टाफ को भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये कई प्रकार की एक्टिविटी जो कन्नाटाल एडवेंचर टूर वाले कराते हैं, जिसमें स्काई ब्रिज, स्काई क्रॉसिंग, स्काई वॉक, स्काई साइकिलिंग, जिप लाइन, वैली क्रॉसिंग, जंगल सफारी, नेट क्रॉसिंग, रॉक क्लाइंबिंग कराते हैं। और इनके जो चार्जेज हैं स्काई ब्रिज का जैसे 300, स्काई क्रॉसिंग का 400, तो सब जो है नॉमिनल चार्ज है दोस्तों। तो आप यहाँ पर आकर जो है कॉम्बो पैक भी ले सकते हैं, जिसमें स्काई ब्रिज, जिप लाइन, साइकिल वाला जो स्काई साइकिलिंग है वो 1000 रुपये में आप कर सकते हैं। तो ये 4 लोगों की टीम तैयार हो चुकी है। हाँ अभी 4 जा रहे हैं धीरे धीरे वॉक करके। हमारा नेता कैसा हो, हेमंत जैसा हो। दोस्तों एडवेंचर एक्टिविटी की हम बात कर रहे थे, और इस एक्टिविटी में 3 था बेसिकली, एक तो स्काई वॉक था, उसके बाद एक साइकिलिंग था, और एक जिप लाइन था। तो ये वेट मेरा ज़्यादा था, 80+ था, तो इसलिए साइकिलिंग मुझे अलाउ नहीं किया। हमने जिप लाइन कर लिया था और स्काई वॉक कर लिया था, तो काफ़ी अच्छे से हुआ। बाकी टीम मेम्बर्स ने कम्प्लीट कर लिया है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट था हमारे स्काई वॉक का, ये देखिए गर्ल जा रही हैं, और उसके बाद ये करते हुए, और ये हमारे मित्र अभी साइकिलिंग करेंगे, तो हम उनके अभी वीडियो बना देंगे। तो आइए देखते हैं अभी और क्या क्या है।
ओहो जबरदस्त स्टार्ट। नहीं आने वाला वीडियो बहुत फास्ट। यो बजरंग बली तो जॉइंट सिंह करके बहुत ही मजा आया, मतलब अल्टीमेट एक्सपीरियंस था। गौतम जी आप बताएं कैसा लगा? क्या बताएं, बताइए। हालत खराब हो गई, डर लग रहा था, हमें तो नहीं दिख रहा, तो बड़े हल्ला कर रहे थे वहाँ पे। अच्छा गए नहीं, गौतम जी ने भी काफी अच्छा एंजॉय किया है, और इधर हमारे आनंद भाई है और इन्होंने भी काफी अच्छा एंजॉय किया है, सबके साथ आनंद बांटते हुए। अच्छा आनंद बांटे थे। तो ये बहुत ही प्यारा सनसेट हमें दिख रहा है कनन टाल का, और हम लोग जो है सनसेट देख रहे हैं। आप ये देखो धीरे धीरे जो है सनसेट हो रहा है, काफी प्यारा लग रहा है, और ये हो जाएगा धीरे धीरे। सेकंड डे का ब्लॉग मैं समाप्त करना चाहूंगा, जो है खटखट का वासी, उसे कहते हैं चश्मा लगा लू राइडर ऑफ काशी, और शेयर लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूले। दोस्तों मुझे यह अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक लगता है कि कैसे हर सूर्यास्त के समय आकाश का रंग अलग होता है। कोई भी बादल कभी एक ही स्थान पर नहीं रहता, प्रत्येक दिन एक नई कृति है, एक नया आश्चर्य है, एक नई स्मृति है। शाबाश बेटा।